हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, सभी गार्डनर फ्रेंड ने जो एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट में गुलदावरी का प्लांट ज़रूर लगाया होगा। वैसे जहां एरिया के क्लाइमेट के अनुसार लोग फ्लावरिंग प्लांट ले आते हैं, कहीं अभी सब प्लांट आ गए होंगे, पिटूनिया, गजेनिया और जो है डहेलिया, सारे प्लांट आ गए होंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ सारे प्लांट इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, जो हैं भी वो बहुत महंगे हैं, तो अभी मैंने नहीं ख़रीदा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे खास, सबसे खास अपनी जगह रखने वाला गुलदावरी प्लांट के मैं बारे में बात करूँगी कि कुछ लोगों ने इसकी कटिंग लगाई होगी, कुछ लोग खरीद के लाए होंगे जिनके पास कटिंग नहीं रही होगी। तो अब आज अक्टूबर का आखिरी दिन है, आज 31 अक्टूबर है। अभी भी हम लोग अपने गुलदावरी के प्लांट को फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार करें, क्या हमें करना है, वो इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। गुलदावरी की फ्लावरिंग उसकी वैरायटी पर डिपेंड करती है। कुछ वैरायटी हैं जो जल्दी फ्लावरिंग करते हैं, कुछ वैरायटी है जो कि लेट फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन काम तो हमें सबके ऊपर करना है। किसी के में कलियां भी आ गई होंगी, किसी के में फ्लावरिंग होंगी, लेकिन मेरे में अभी किसी में ना तो कली ही दिख रही है। कलियां बनने की जगह बनी है बट अभी बनी नहीं है, और जो है ना तो कलियां नहीं बनी तो फ्लावरिंग का सवाल ही नहीं उठता। तो आज मैं अपने जितने भी गुलदावरी के प्लांट हैं उनको फर्टिलाइज करूंगी, उनको फ्लावरिंग के लिए तैयार करूंगी। मेरे पास दो तरह के गुलदावरी के प्लांट हैं, मैंने तैयार किया है। एक तो मैंने कटिंग लगा के तैयार किया है, और दूसरे मैंने पूरे प्लांट, पुराने प्लांट को बिल्कुल जड़ से प्रून करके न्यू ग्रोथ जो थी उनकी, उनको छोड़ दिया था। तो वो प्लांट हमारे हैं, हमारे पास कुल 9-10 प्लांट हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है गुलदावरी के। और इसमें कई वेराइटीज़ की हैं, जब फ्लावरिंग होगी तो पता चलेगा। तो आज मैं इनमें ये काम करूंगी। पहला काम तो मैं कर चुकी हूँ कि पिंचिंग वाला, ये देखिए मैंने पिंच यहाँ से किया था, तो यहाँ से देखिए चार चार ब्रांच निकली है एक एक में। तो ये काम तो मेरा, इसमें देखिए कितनी ब्रांचेज हैं, तो निकल रही हैं और निकल भी गई हैं। तो आज मैं इनमें करूंगी। सबसे पहला काम तो है जो ये बीट वगैरह उगाई हैं इनको आप निकाल दीजिए, ये सबसे पहला काम होता है। क्योंकि इधर अभी अभी बरसात बीती है, तो बरसात में बीट्स बहुत उगती हैं, और रोज़ निकालते रहो रोज उगाती हैं। तो इनको निकाल दीजिए आप। और इनकी मैंने एक एक प्लांट में, अरे एक एक पॉट में चार चार पांच पांच प्लांट लगाए हैं, और इनके आप बचा के इस तरह से जो भी टूल से आपके पास हो आप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करके मिट्टी इनकी, फ्रेंड इस सबको पता है कि कोई भी फर्टिलाइजर, चाहे आप लिक्विड डाल रहे हो चाहे जो है सॉलिड फर्टिलाइजर, गुड़ाई करना मस्त होता है। इस तरह से गुड़ाई करके, ये देखिए मैं गोबर की खाद लाई हूँ, इसमें जो है 9-10 प्लांट का है, तो इसमें मैं जो है ये नीम की खली मिलाऊंगी। मैंने अंदाज से 3 मुट्ठी नीम की खली मिला लिया है, देखिए। और जो गोबर की खाद में नीम खली मैंने मिला लिया है, नीम खली में भी पोटेशियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, और इसमें जो है गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत पाए जाते हैं।
इसी तरह से नीम की खली में भी पाया जाता है सारे तत्व, तो इनको मैं मिक्स करके सारे उसको, और इसमें मैं थोड़ा सा विविड ग्रेन्यूल्स भी मिलाऊंगी। सीविड ग्रेन्यूल्स का ये रोल होता है, ये हमारे पत्तियों को, जड़ों को, पत्तियों को हरा भरा बनाती हैं, और इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन तीनों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इनको मैं अपने गमले के अनुसार दो दो मुट्ठी हर गमले में मैं डाल दूँगी, इस तरह से किनारे किनारे में सारे गमलों में डाल दूंगी दो दो मुट्ठी खाद। गुड़ाई किया, फिर खाद डाला, फिर जो है अगर पिंचिंग करना हो तो आप इस समय भी पिंचिंग कर सकते हैं, 15 दिन में डालें बन जाती हैं, और जो है एक ब्रांच में से कई ब्रांच बनेंगी तो जितनी ब्रांच होंगी उतनी फ्लावरिंग होगी। इस तरह से हम सारे गमले में आप करिए, और उसके बाद फिर ये बकेट में आप पानी देख रहे हैं, बकेट में 2 लीटर पानी होगा, और इसमें मैं थोड़ी सी ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर डालूंगी तो इसका कलर देखिए, बहुत ज़्यादा ना डालें, कम डालें, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, उसे अब रात ठंडी होने लगी है, इसके लिए सबसे मुफीद मौसम होता है 20 से 30 के बीच का तापमान, जिस समय वही तापमान चल रहा है। तो इस तरह से डाल के और हर गमले में एक एक मग इसको डाल देंगे, फिर आप देखेंगे हफ्ते भर में आपके गुलदाउदी में कलियां आपको दिखने लगेंगी, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है सारे न्यूट्रिएंट्स इनको मिल गए हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सारे तत्व इनको जो इनकी ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी हैं, हम इतना करने के बाद इनको वह दे चुके होंगे। तो इस तरह से न्यू ब्रांचेज जो आ रही हैं, देखिए ये सब हेल्दी होके और उनमें सब में कलियां आ जाएंगी और फ्लावरिंग होगी। गुलदावदी में 4 काम जरूर करें। पहला काम, उनकी घास बीट्स निकालें, इस तरह से जो अगर घास जमी हो। दूसरा काम, उनकी गुड़ाई करें। तीसरा काम, उनको फर्टिलाइज करें। और चौथा काम, अगर आपकी गुलदावदी बहुत ज़्यादा इधर उधर बढ़ गई हो, इधर उधर जा रही हो, तो उसमें ये स्टिक लगाना ना भूलें, स्टिक ज़रूर लगाएं। इस तरह से हम तो हर बार की स्टिक ऐसे ही रखते हैं, इस तरह से स्टिक लगाना ना भूलें। स्टिक लगा के और किसी चीज़ से इसको बांध लें तो सारे प्लांट एक में इधर उधर होंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने जानकारी के अनुसार गुलदावदी की इस समय केयर की वीडियो शेयर किया। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, अगर कोई सुझाव हो तो आप भी अपनी तरफ से ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।